बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। समाज के हर एक इंसान ने ये वाला नारा एक्सेप्ट करके बेटियों को अपनी पढ़ाना स्टार्ट किया। समय के साथ समाज जब अपग्रेड होता गया तो लड़कियों की डिमांड बढ़ी कि शादी के बाद मुझे पढ़ाया जाए। अच्छा, ये जो मौर्य जी हैं, इन्होंने अपने पत्नी के अंदर कुछ ऐसा देखा कि इनका मन करा कि मेरी पत्नी कुछ करना चाहती है आगे, तो चलो इसको पढ़वाते हैं। समय बहुत अच्छा जा रहा था, इनकी पत्नी ने अच्छी तैयारी भी करी और SDM पद के लिए नियुक्त हो जाती हैं। और इनका मन अपने ही ऑफिसर्स के प्रति आ गया, उनके साथ बातें करना स्टार्ट हुई। ये बात इनके पति को जब पता चली तो उन्होंने बताया कि ये मात्र ओनली हमारे फ्रेंड है। लेकिन समय के साथ ये दोस्ती जो है अवैध संबंध में जब बदल गई और ये बात इनके पति को पता चलती है तो इनके पति का गुस्सा फूटता है। इस बात पर पत्नी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे डाइवोर्स दो। अच्छा, डाइवोर्स का कोई रीजन होना चाहिए, तो उनके पास रीजन नहीं था, तो पत्नी ने उल्टा ही अपने पति के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तुम दहेज लिए थे। यानी दहेज प्रथा के केस में उल्टा ही फंसा दिया अपने पति को, जिस पति ने उस समय उसका सपोर्ट किया था, जिस समय वो कुछ नहीं थी, जिस समय उसके हाथ में कुछ नहीं था। ये एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे समाज में साबित हुआ है कि आने वाले समय में कोई भी युवा वर्ग, कोई भी पुरुष वर्ग शायद ही अपनी पत्नी को पढ़ाने की तरफ आगे बढ़े। क्यों बढ़ेगा आखिर? क्या वो चाहेगा कि उतनी पत्नी, उसकी पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंध बनाए इसलिए मैं उसको पढ़ाऊं? देखिए, एक बात समझिए, हम सारे युवा को यही बताना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है वो ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर आप इतने हो तो आपकी पत्नी भी उतनी होनी चाहिए, इक्वल तक सही आता है। आप पत्नी, आपको पत्नी को आपने यहाँ बिठा दिया, आप यहाँ बैठे हो, तो इंसानों के अंदर चाहत होती यहाँ से और ऊपर जाने की, तो वो नीचे पत्नी नहीं आएगी तुम्हारी।